व्हाट्सअप गाइस, मानो तो आज मैंने एक और बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट जो कि है हमारा वेबकैम कंपनी है हमारी KSU और मॉडल नंबर है HW1। तो दोस्तों इसके अंदर हमारे दो मॉडल और आते हैं HW2 एंड HW3। तो जहां तक मैंने थोड़ी रिसर्च करी है इसकी क्वालिटी उन सब के कंपैरिजन काफी अच्छी है। आपको खरीदना हो तो प्रोडक्ट वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से आप खरीद सकते हैं। चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए। दोस्तों बताना चाहूंगा, थोड़ा टाइम पहले मैंने कुछ महीने पहले वीडियो बनाई थी लॉजिटेक का, मैंने वेबकैम खरीदा था C270। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगी इतना घटिया कैमरा मुझे लगा था और बाय चांस मैं वो रिटर्न भी नहीं कर पाया था, मुझे उसको OLX से बेचना पड़ा इतना, क्योंकि दुकानदार जो है वापस लेते नहीं है। मैंने बोला तो मुझे कम से कम 800-900 रुपए का नुकसान हुआ, पर फिर भी मैंने बेच दिया। मैंने इसे बेच दो, इसको मैं यूज नहीं करूंगा। तो मैंने इसको ढूंढा है वेबकैम, ये अभी बहुत पुराना नहीं हुआ, रिसेंटली ही आया, आई थिंक 2-4 महीने हुए इसको आए हुए। काफी अच्छे रिव्यूज हैं इसके और क्वालिटी जो है उनके कंपैरिजन काफी अच्छी है, और ये मुझे पड़ा है 2100 रुपए का। अगर आप अच्छी क्वालिटी का वेबकैम लेना चाहते हैं तो आपको यूजली लॉजिटेक के ही काफी चल रहे हैं और वो बहुत महंगे आते हैं। 8-9 हज़ार रुपये कम से कम आपको वेबकैम खरीदोगे तब आपको एक डिसेंट क्वालिटी मिलेगी, बाकी की तो किसी में लाइटिंग नहीं आ रही, किसी का रेजोल्यूशन खराब है, किसी के अंदर कुछ ना कुछ खराबी होती ही है। तो इसलिए मैंने अब ये ढूंढा है। तो दोस्तों आइए इसको चला के देखते हैं और इसकी क्वालिटी फिर भी आपको टेस्ट करते हैं, साथ साथ ऑडियो क्वालिटी भी मैं इसकी टेस्ट करूंगा और बताऊंगा कैसी है। तो ये हमारे वेबकैम का बॉक्स है, काफ़ी छोटा बॉक्स है और यहाँ पे कुछ इसकी डिटेल्स लिखी हुई है, जैसे कि अंदर लिखा हुआ है फुल HD है, वीडियो कॉल है। इसके अंदर आपको माइक भी आपको मिलता है, आपके पास बाय चांस माइक ना हो तो आपको वीडियो कॉल्स के लिए काफ़ी अच्छा ये काम आएगा। साथ ही ये बताएंगे इसके MRP इसकी लिखी है हमारी 3000 रुपये मिला है हमें 2100 रुपये का। केबल इसकी 1.2 मीटर की है और अलग अलग फीचर्स हैं। आइए इसको खोल के देखते हैं। तो ये हमारा वेबकैम है और ये इसका छोटी सी जो फीचर्स हैं उसके बारे में लिखा हुआ है और ये इसकी डिटेल्स हैं। 50 हर्ट्स आई थिंक इसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है, 50 हर्ट्स का आपका फ्रेम रेट होना चाहिए। और ये हमारा है कवर, तो आप इसको अपने कैमरे के ऊपर लगाएंगे और ताकि आपकी जो प्राइवेसी जो है वो बरकरार रहे। तो ये निकालते हैं हमारे वेबकैम को, तो ये देखिए वेबकैम है, वो देखते ही पकड़ के लग रहा है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वायर देखें इसकी काफ़ी लंबी है। और आपको लगाना हो तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर कैमरा आपका ऑन है कि नहीं इसकी यहाँ पे ऑप्शन है, और जब आपकी वीडियो ऑन होगी तो आपका ये बल्ब जल जाएगा और कैमरा ऑन होगा तो आपका ये लाइट आपकी हमेशा जलती रहेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो हमारे माइक का जो है माइक के लिए होल भी अलग से दिया गया है। यहाँ पे हमारा स्टैंड है, अपने जो मॉनिटर या आपको लैपटॉप के आपको लगाना हो उसके अंदर आप लगा सकते हैं। आइए इसको कनेक्ट करके देखते हैं। तो ये देखिए वेबकैम के ऊपर जो मैंने यहाँ ढक्कन इसका लगा दिया है, और बड़ी अच्छी खास बात यह है कि साथ साथ ही आपकी जो प्राइवेसी को प्रोटेक्ट तो करता ही है, यहाँ पे जो है कैमरे के अंदर आपकी डस्ट चली जाती है उससे भी आपको ईजिली प्रोटेक्ट करेगा। आप इसको बंद कर देंगे तो मिट्टी जो है, आप साफ़ सफाई करेंगे तो मिट्टी जो है इसके अंदर नहीं जाएगी। और ये है हमारा USB से जब कनेक्टेड होगा तो उसकी लाइट ये आएगी, और जब भी आपका वेबकैम ऑन होगा, आपका कैमरा चालू होगा, आप स्ट्रीमिंग कर रहे होंगे तो आपको ये छोटा सा जो है बल्ब जो है आपको ये जलता पता चल जाएगा। तो मैंने अपने वेबकैम को जो है PC से कनेक्ट कर दिया है ये अपने USB पोर्ट के अंदर, और ये बड़ी अच्छी वेबसाइट, अगर इसी को नहीं मालूम तो इस वेबसाइट पे जाके अपने जो है कैमरे की पूरी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। आपको बस क्लिक करना है webcamtest.com पे, और ये कनेक्ट करने के बाद हम क्लिक करते हैं टेस्ट माय कैम। अपने आप जो है हमारा वेबकैम जो है इसको डिटेक्ट कर लेना चाहिए, और नहीं करता तो शायद आपका कनेक्टेड नहीं है या कुछ आपके PC के हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में दिक्कत हो सकती है। तो देखेंगे अपने आप जो है ऑप्टिमाइज कर रहा है धीरे धीरे, और 5% हो चुका है, पूरा 100% यहाँ पे होगा यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे, और लेफ्ट साइड में जो आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ देखेंगे फ्रेम रेट आ रहे हैं 27 FPS, इसकी आपको मिलेगी 30 FPS तक आपको मिलेगी, और यहाँ पे मेगापिक्सल आपको दिखा रहा है 2.97 मेगापिक्सल का आपका कैमरा है, बाकी रेजोल्यूशन वगैरह सारी की सारी डिटेल्स हैं। बाकी सब पूरी डिटेल्स को अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, और साथ ही साथ चेक कर लेते हैं कि बिल्कुल लैग होता ही नहीं। तो मैं अपना हाथ ऐसे हिला रहा हूँ, सर हिला रहा हूँ, तो कहीं भी कुछ मुझे ब्लर या ऐसा कुछ मोशन डिटेक्शन में कुछ खास दिक्कत नहीं लग रही है। और यहाँ साथ ही साथ देखते हैं हमारी जो है सेटिंग जो है पूरी 100% हो गई है, और सारी ब्राइटनेस वगैरह सारी जो है आपकी पूरी की पूरी डिटेल्स आ गई हैं। और आइए चेक करते हैं इसके साथ एक फ़ोटो खींच के भी देखते हैं, टेक अ फोटो।
ये हमने फोटो खींची है, ये कहाँ पे आई है देखना पड़ेगा मुझे, मैं डाउनलोड करके देखता हूँ। और फोटो एक तो मेरे पीसी के अंदर फोटो खुलती भी तो नहीं है, अभी तो दिक्कत है। तो मेरा फोटो व्यूअर तो थोड़ा खराब चल रहा है, तो मैंने पेंट के अंदर फोटो खींची और यहाँ देखेंगे हमारी फोटो आई है। इसको जूम करके देखते हैं कि कितना कब तक हमारी फोटो फटती है। तो देखेंगे काफी ज्यादा मैंने जूम कर लिया है, फिर भी कुछ बहुत ज्यादा मेरी क्वालिटी वीडियो की और सॉरी फोटो की घटिया नहीं आई है। तो ये देखेंगे आप जैसा चाहें, इससे ज्यादा जूम करूंगा तो फटी जाएगी। 2 मेगापिक्सल के कैमरे के हिसाब से काफी अच्छी इसकी क्वालिटी है। तो आइए अपने मेन जहाँ पे मुझे यूज करना है, मोस्ट कॉमन जो सॉफ्टवेयर है हमारा OBS, यहाँ पे मैं अपना कनेक्ट करके देखता हूँ, वेबकैम चला के देखता हूँ। तो यहाँ पे हमें ऐड करना है यहाँ पे वीडियो कैप्चर डिवाइस, और यहाँ पे ओके करेंगे। और ओके करने के बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा डिवाइस के अंदर, सर्च करेंगे HD कैमरा। और कैमरा सर्च करते ही यहाँ देखेंगे कैमरा हमारा ऑटोमेटिकली डेटा किसने कर लिया है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मैं इसको कर देता हूँ ओके। आप यहाँ देखेंगे फुल स्क्रीन पे मेरा जो है कैमरा आ गया है। और यहाँ पे थोड़ी सी क्वालिटी आप इसकी बेटर भी कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कैसी। तो ये मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। और यहाँ पे हम जाएंगे वीडियो कैप्चर के अंदर, यहाँ पे फिल्टर्स, और फिल्टर के अंदर यहाँ पे अपने ऐड करेंगे हम शार्पनेस। शार्पन के अंदर आप अपनी क्वालिटी थोड़ी सी बेटर कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा करेंगे तो देखेंगे आपकी क्वालिटी जो है ख़राब हो जाएगी। तो अपनी लाइटिंग और अपनी रूम की सेटिंग के हिसाब से आई थिंक ये थोड़ा बेटर है। हाँ तो ये हमारी शार्पनेस जो है ओके मैंने कर दी है, आपको दिखाता हूँ फुल स्क्रीन करके। तो देखें कितना क्वालिटी में थोड़ा सा काफी अच्छा फर्क आ गया है। और भी आप कर सकते हैं, अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे फिर से फिल्टर के अंदर जाके आप अपनी जो है कलर्स की सेटिंग्स आप कर सकते हैं। आपको फुल डिटेल्स आपको करनी हो तो यहाँ पे कलर की अपनी सेटिंग भी आप कर सकते हैं। मेरे को ज़्यादा आती नहीं है तो मैं ख़राब नहीं करना चाहता। तो आइए इसकी टेस्टिंग करते हैं आप ऑडियो की। अभी जो है मेरा माइक जो है मेरा कंडेंसर माइक चल रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो अब मैं इसकी माइक को ऐड करता हूँ। तो आप माइक को ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो वही आपको करना पड़ेगा सेम। यहाँ पे जाऊँगा अपना ऑडियो इनपुट, एंड ऑडियो इनपुट के बाद यहाँ पे आएंगे ओके। एंड ओके के बाद यहाँ देखिए डिवाइस के अंदर जाके देखेंगे हमारा माइक्रोफोन HD कैमरा आ गया है। तो अब मैं कर देता हूँ ओके, और अब मेरे जो है दोनों के दोनों माइक जो है चल रहे होंगे। तो मैं इसकी जो है यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारा जो है वेबकैम का माइक है। तो अपनी ऑडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी थोड़ी सी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। मैं 40 पे रख रहा हूँ, और मैं बंद कर देता हूँ मेरे कंडेंसर माइक को। तो आपको ऑडियो क्वालिटी का जो है फर्क पता चल जाएगा। ये मैंने कर दिया है, मेरा माइक जो है मेरा बंद हो गया है। अब मेरा जो वेबकैम का खाली माइक चल रहा है तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो मैं वॉल्यूम थोड़ी इंक्रीज करके दिखाता हूँ तो आपको। हेलो, तो मैंने वॉल्यूम इसकी कम ज्यादा करी है। तो आपको जो आपको रिक्वायरमेंट हो अपने हिसाब से ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको ऑडियो क्वालिटी का डिफरेंस भी पता चल जाएगा। तो मैं इसकी आवाज बंद करता हूँ। और फिर से देखिए मेरा कंडेंसर माइक चल रहा है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होगी इसकी कि आप उम्मीद करेंगे, पर आपको अगर काम चलाना हो स्पेशली वीडियो कॉलिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की आवाज नहीं चाहिए होती, तो उनके लिए ठीक है। अगर आपको स्ट्रीमिंग वगैरह करनी है तो आपको शायद दूसरा माइक आपको लेना पड़ जाएगा। तो आइए अब चेक करते हैं अंधेरे के अंदर रूम की। मैंने सारी की सारी लाइटें जो है बंद कर दी हैं, और आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो कैसी आ रही है। इसको मैं और फुल स्क्रीन कर देता हूं, तो यहाँ देखेंगे। पर जब भी आप कुछ चीज यूज कर रहे हो तो आपको सामने जो है स्क्रीन की लाइट जरूर रहेगी। तो अगर मैं क्रोम खोल के दिखाता हूँ आपको, तो देखेंगे मेरी जो है मुंह पे काफी ब्राइटनेस आ गई है। और क्योंकि अगर मैं वाइट स्क्रीन देखूंगा तो ऑब्वियसली स्पेशली कुछ टाइपिंग वगैरह करूंगा तो मेरी वाइट स्क्रीन में काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी आएगी। अगर हम गेम खेलेंगे तो जहां जहां पे लाइटिंग का थोड़ा चेंज होगा वहां पे आपको थोड़ा सा जो है लाइट कम ज्यादा आपको इफेक्ट जो है आपको जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज, तो इसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि अगर आप बिल्कुल अंधेरे में बैठे हैं जेट ब्लैक कमरे के अंदर तो आपको आपका वेबकैम जो है कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी तो दोस्तों ये था हमारा KSU कंपनी का HW1 वेबकैम, क्वालिटी बहुत बढ़िया। आप चाहें तो वीडियो के नीचे लिंक है वहां से इसको खरीद सकते हैं। मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगा, फुल HD आपको कैमरा मिलता है, साथ ही साथ आपको उसका शटर भी मिलता है, वो भी लगा सकते हैं ताकि आपकी जो है प्राइवेसी आपकी बनी रहे। यूजुअली आपको टेप लगानी पड़ती है वेबकैम में, हर वेबकैम के अंदर ये चीज नहीं मिलती आपको।
2021 के अंदर बहुत बढ़िया वेबकैम है, वीडियो कॉलिंग स्ट्रीमिंग गेमिंग आपको जो मर्जी करनी हो उसके लिए बहुत बढ़िया है। तीन तीन चार चार पाँच पाँच आपके वेबकैम खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ये काफी अच्छा है, बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा। अगर आप चाहें तो वीडियो चलेंगे वहां से खरीद सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।